हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग एक तो 2-3 दिन के बाद हो रही है, वो इसलिए क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाए। और यहाँ पर देखिए, दक्षित जो हैं सोए हुए हैं और अभी बज रहा है दिन का 1:30। तो मम्मी लोग आज कोई घर पे है नहीं, सब लोग गए हैं शादी में। आज हमारी फैमिली में शादी है तो मम्मी गई है उधर, तो मुझे जाना है अभी गर्व को स्कूल से लेने। थोड़ा आधा घंटे के बाद उसकी टाइमिंग हो जाएगी। तो दक्षित, चलोगे दादा को लेने? नींद हो गई पूरी? तो फ्रेंड्स, मैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ, क्योंकि आ रहा है मेरे मियाँ जी का फोन। और फ्रेंड, उस टाइम पे मुझे फोन करना पड़ा कट, क्योंकि मेरे आ गया था हस्बैंड का कॉल। तो अभी मैं फटाफट से अपने काम निपटा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, मुझे जाना है पार्टी में। तो ये सारे कपड़े जो हैं ये हैं आज के, जो सूख चुके हैं, तो अभी ये करने पड़ेंगे फोल्ड। उसके बाद गवी स्कूल से आएगा, गवी को खिलाऊंगी खाना और फिर हम लोग चलेंगे पार्टी में। और पार्टी में पहनने वाली लगी मैं ये ब्लैक वाली साड़ी, जिसमें मैंने अभी प्रेस करी, और देखो प्रेस करके मैंने रखी थी और दक्षु ने प्रेस व्रेस सब कर दी बराबर। ऐसा ही होता है छोटे बच्चों के साथ, क्या करा जाए। और दक्षु को मैंने पहले ही रेडी कर दिया है, क्योंकि मैंने कहा फिर ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो मैं दिखाती हूँ आपको दक्षु कैसा लग रहा है। ये देखो, दक्षु को मैं घर पे बहुत सारे कपड़े पहनाए रहती हूँ, तो आज ये ओनली एक टी शर्ट और जीन्स में है। तो ये इतना पतलूशा लग रहा है, ये बच्चा कैसा लग रहा है दक्षु, कैसा लग रहा है बच्चा? यहाँ तो देखो फिर बच्चा, दक्षु मस्त हो रहा है गाड़ी चलाने में एकदम। और गवी आ चुका है स्कूल से, तो अब मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी और आपसे मिलती हूँ रेडी होने के बाद। और फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब चले हम पार्टी में, क्योंकि मम्मी भी आएंगे शाम को, तो मैं भी निकल जाती हूँ बच्चों को लेके। अब लगा लेते हैं हम लॉक। ये वाली विंडो भी खुली है, इसको भी कर देते हैं क्लोज। पार्टी से पहुंच के जिस चीज का मुझे अमल है, मम्मी ने अपने लिए बनाई थी चाय। मम्मी भी पहुंच गई है शादी से। मम्मी कैसी रही आपकी शादी? अच्छी रही, बढ़िया हुई। बढ़िया मम्मी पहुंची थी, मम्मी ने अपने लिए बनाई थी चाय, साथ में बहू के लिए भी बना के रखी थी। पत्ती नहीं डाली थी, पत्ती मैंने आके डाली है। तो मैं हूँ चाय की अमली, तो पी रही हूँ चाय। और ये आ चुके हैं एंजॉय करके, फुल मस्ती मारी है दोनों भाइयों ने आज। इसने मुझे बहुत थका दिया। फ्रिज में क्या होता होगा इसका? अब शायद खेलूं मैं।
मम्मी को सब्जी की टेंशन हो गई है, साग के लिए बोल मम्मी। साग साग के लो साग आज हम साग खून आलू थिचा, आलू को थिचड़ी खाऊंगी। और फ्रेंड्स अभी मैं ट्राई कर रही हूँ पिज्जा, क्योंकि आज मैं लेके आई थी पिज्जा पेस्ट, तो अभी ट्राई हो रहा है, देखते हैं। अभी फर्स्ट टाइम है तो मैंने उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, ओनली डाला है चीज़ और पास्ता सॉस। तो देखते हैं कुछ मिनट में बन के आ जाएगा बाहर, तो कैसा बनता है। अगर अच्छा बना तो फिर कल और इससे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट टाइम है। लेकिन बेस जो है वो घर पे नहीं बनाया, बेस मैं लेके आई थी बेकरी से, तो अभी जब बन के हो जाएगा रेडी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पिज़्ज़ा बन के हो चुका है रेडी, देखते हैं कैसा बना है। थोड़ा सा जल गया शायद ना, जल गया, ज़्यादा टेम्परेचर में रख दिया क्या हमने? ओहो पिज़्ज़ा हमारा जल गया, और पिज़्ज़ा जो मैंने बनाया था जल गया, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है इसका, इसलिए कोई बात नहीं, कल मैं इससे भी बेहतर बना के दिखाऊंगी। मैं भी जलता हूँ। अब चाहे पिज़्ज़ा जल गया हो, बनाया है, मेहनत तो लगी है, सब कुछ वेस्ट हुआ है, लाइट वेस्ट हुई है, चीज़ वेस्ट हुआ है, तो खा के ट्राई करती हूँ। ठीक ही हो रहा है, कैसा हो रहा है मम्मी, कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है? मम्मी बोल रही है मैं आगे पूछूं क्या हो रहा है। मम्मी कोई जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब अच्छा नहीं हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। दफ्ती क्या है? बढ़िया है। तो फ्रेंड आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। और सच में एक बात बताऊं, पिज्जा ना सच में बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था, थोड़ा उसमें जली जली सी वाली महक आ रही थी, बट क्रंची क्रंची सा हो रहा था खाने में। बच्चों को तो कैसा भी दे दो पिज्ज़ा नाम से वो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो कल को मैं पिज्ज़ा और बनाऊंगी, क्योंकि मैं चले के आई हूँ, चार पिज्ज़ा बेस तो एक मैंने बना दिया, तीन बनेंगे कल को, तो कल को मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। अब देखती हूँ कल कैसा बनता है, अभी से ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, पता चला कल भी अच्छा नहीं हुआ तो फिर आप लोग बोलोगे इतना बोल रही थी, बनाया तो अपने ही जैसा वाली बात भी हो जाती है ना। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग को एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कल मिलते हैं आपको फिर एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।